जयपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे 50,000 के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाशी का अभियान लगातार जारी है। उधर शासन के निर्देश पर पुलिस ने विकास दुबे के चौबेपुर स्थित बिकरू घर को गिराने का फैसला लिया है। भारी पुलिस फोर्स कई जेसीबी लेकर पहुंची और पिता राम कुमार दुबे को घर के बाहर निकालकर घर गिराने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। उधर विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका के चलते लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट है। लखीमपुर खीरी की एसपी पूनम ने बताया, नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ विकास दुबे के नौकर ने एक बड़ा खुलासा किया कि पुलिस ने विकास दुबे को दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी। सूचना के बाद उसने अपने असलाधारी साथियों को बुलाया और नौकर की बंदूक खुद विकास दुबे ने छीनकर गोलियां चलाई। कानपुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट।